हाय फ्रेंड्स, ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाएंगे फॉर 9 to 10 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है सिंथेटिक, और इसकी लंबाई हमने लिया है 2.5 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हम लेंगे 10 इंचेस, शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 5 इंचेस, मार्कर लेंगे, आर्म होल की लंबाई हम लेंगे यहाँ से लेके नीचे तक 5 मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट का पार्ट हमें लेना है। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 8 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस और इसे मार्क कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब टॉप पार्ट की नेक की चौड़ाई और लेंथ लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस। और नेक की लंबाई हम लेंगे 4.5 इंचेस। शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह नेक का शेप हमने दे दिया है। अब इसे हम कट करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और नेक से लेके नीचे हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरफ हमें नीचे की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पे मार्क किया है और यहाँ से लाइन ड्रॉ किया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसी नाप का दूसरा पीस हमें कट करना है। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह सिंगल बिछाया है। इसके ऊपर हमें इस पीस को रखना है। रेजेटिंग इसे कट कर लेना है। अब शोल्डर के सेंटर में हमें मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ से राउंड से देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। इस तरह फ्रंट का दो पीस हमने कट कर लिया है। इसी नाप का दो पीस हमें लाइनिंग के लिए कट करना है। दोनों पीस को इस तरह मिलाते हुए यह टॉप पार्ट रेडी होगा। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड किया है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ है फोल्डिंग। आउटसाइड से फोल्डिंग साइड की तरफ हमें फैब्रिक को इस तरह टर्न करना है और ट्रायंगल शेप बनाना है। तो इस तरह फैब्रिक को टर्न करते हुए ट्रायंगल शेप बना लिया है। अब हमें यहाँ पे कमर की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए हम टॉप पार्ट लेंगे। फ्रंट का टॉप पार्ट हमने लिया है। इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे हमें रखना है। दोनों तरफ मार्क कर लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे यहाँ से लेके नीचे 25 इंच पे मार्क करेंगे।
राउंड में हमें 25 इंचेस मार्क करते जाना है। सभी मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन को कट कर लेंगे। बॉटम पार्ट को ओपन करेंगे और वन साइड फोल्डिंग है इसे भी हम कट करेंगे। तो इस तरह दो लेयर हमने कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट का दो पार्ट लिया है। दोनों पार्ट की लाइनिंग हमने कट कर ली है। इसके ऊपर हमें लाइनिंग पीस को रखना है। राइट साइड से इस पीस को अटैच कर लेंगे। इस तरह अच्छे से मिलाते हुए आर्म होल और पूरी नेक पे हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ। सिलाई लगाने के बाद आर्म होल में और नेक पे हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे। और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। दोनों पीस को हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। तो दोनों पीस को हमने प्रेस लगा दी है। अब दोनों पीस को हमें नीचे से मिलाना है। इस तरह मिला के हमें नीचे सिलाई लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक। फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। इसके साथ हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट को हमें राइट साइड रखना है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रख के इस बॉर्डर पे सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब आर्म होल से नीचे हमें लंबाई लेनी है 4 इंचेस। इस तरह का स्ट्रीप ली है, इसे 2 फोल्ड किया है। आर्म होल की से नीचे हमने 4 इंचेस का लंबाई लिया था और 1 इंचेस हमें एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह हमने इसकी लंबाई 5 इंचेस ली है और चौड़ाई 16 इंचेस। अब इस स्ट्रिप को हम बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। फोल्डिंग साइड ऊपर की तरफ आएगा और आउट साइड नीचे की तरफ इस तरह अटैच कर लेंगे बॉटम पार्ट के साथ। तो इस तरह मैंने इस स्ट्रिप को बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हम इलास्टिक अटैच करेंगे जिसकी लंबाई हमने ली है 10 इंचेस और चौड़ाई है 1 इंचेस। इस स्ट्रिप को हमें यहाँ से अंदर से हमें इसे पास कर लेना है। स्ट्रिप के दोनों साइड को हमें इसे फैब्रिक के साथ मिला लेना है और इस तरह खींच के हमें दोनों साइड सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है और सेंटर में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट हमने लिया है, इसे राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हम फ्रॉक का बैक पार्ट को रखेंगे। दोनों तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। इस फ्रॉक को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है और ये है बैक पार्ट और फ्रॉक का ये फ्रंट पार्ट है। फ्रॉक के नीचे की बॉर्डर पे हमें रफल अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमने लिया है 4 इंचेस और लंबाई हमने 5 मीटर लिया है स्ट्रिप का। दोनों तरफ की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके
इस तरह बारीक स्ट्रिप बनाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस बॉर्डर को भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है और सेंटर में हमने बड़े नंबर वाली सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हमें एक धागे को अलग करके खींच के गैदरिंग बनानी है इस तरह। इस तरह की गैदरिंग बना के हमें फ्रॉक के नीचे की तरफ अटैच करना है। इस रफल को हमें इस तरह डिज़ाइन बनाते हुए नीचे के बॉर्डर पे अटैच कर लेना है। तो इस रफल को हमने ऑल राउंड अटैच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ स्ट्रिप आएगी, तो यहाँ पे मैंने इस तरह की स्ट्रिप बना ली है। इस स्ट्रिप को हमें ऊपर शोल्डर के साथ अटैच करना है। तो हमने नेक पे और स्ट्रिप के साथ इस तरह की लेस अटैच कर ली है। तो इस तरह यह फाइनली हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक रेडी हो चुका है फॉर 9 to 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।